हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो चलो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में आगे मूव ऑन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, क्या सोर्स होते हैं, क्या होगा जब हमारे बॉडी के अंदर शुगर का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने बातें कर ली थी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स बिगिन इट। देखिए, सबसे पहला, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो बेसिक डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये ग्लूकोज का है, ये फ्रुक्टोज का है। इसको अभी के अभी स्क्रीन को पॉज करो, अपने नोट्स कॉपी में इस डायग्राम के ऊपर प्रैक्टिस करो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं होएंगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री समझने में बहुत परेशानी आ सकती है। ओके, तो आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। इसको 2 से 3 बार बनाओगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने बात पे आते हैं। मैं बता रहा था कि जो ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज होता है, इसके मॉलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6। एज इट क्लियर नाउ? बट ये डिफर कहाँ पे करता है भाई? ये डिफर करता है अपने फंक्शनल ग्रुप में और स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब कैसे डिफर करता है बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, बट स्ट्रक्चर देखिए आप। स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 2 पे देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे देखो, कीटोन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रक्चर तो डिफर हो गया ना। अब आया फंक्शनल ग्रुप। देखो, ग्लूकोज में, ये बात हमेशा याद रखना आप, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होता है? अल्डिहाइड। इसको हम CHO शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये क्या है? अल्डिहाइड है। और ये क्या है? कीटोन है। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है और फ्रुक्टोज में कीटोन काम करता है, ठीक है। ये दूसरी डिफरेंस हो गई। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट इट डिफर फ्रॉम देयर फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स स्ट्रक्चर, ओके। और एक ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन यूज होते हैं? 6 कार्बन यूज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इस डायग्राम को आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके का होता है, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन। पॉली का मतलब, देखिए पहले वर्ड को तोड़ो, पॉली का मतलब बहुत सारे और हाइड्रोक्सी का मतलब OH। मतलब एक कंपाउंड में जब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और साथ में अल्डिहाइड हो, और मैंने जस्ट आपको बताया हुआ है जहां पे अल्डिहाइड आपको दिखेगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्लूकोज को। और कीटोन जहां पे मिलेगा वो रिप्रेजेंट करता है फ्रुक्टोज को। तो जहां पे या जिस कंपाउंड में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और साथ में अल्डिहाइड भी प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे ग्लूकोज, और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और साथ में कीटोन प्रेजेंट होगा तो उसको फ्रुक्टोज बोलेंगे। समझ में नहीं आया? देखो यहाँ पे, देखिए बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है? एक हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4, इसलिए इसको बोल रहे हैं 1, 5, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पॉलीहाइड्रोक्सिल। इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी बहुत सारे हैं, इसलिए बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल। और साथ में यदि अल्डिहाइड लगा हो तो ग्लूकोज बोलेंगे, और साथ में यदि कीटोन लगा हो तो हम लोग फ्रुक्टोज बोलेंगे। एज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जांपल हो गया फ्रुक्टोज, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। इसको समझाने से पहले आप एक बात समझ लो, उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। वो क्या है? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, और
फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, टॉलेंस रिएजेंट एग्जांपल इसका हो गया AgNO3, यहाँ पे आपका +1 चार्ज होता है, इधर गया तो ये देखो। तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट इधर आ गया तो सिल्वर बन गया, मतलब यहाँ पे +1 चार्ज था, इधर आके 0 हो गया तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ठीक है। फिर आता दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, इसको रिमूव कर दूँ टॉलेंस रिएजेंट, बस आप दिमाग में रखना कि टॉलेंस रिएजेंट में क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल क्या है, ये है, इसको आप केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ोगे, बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है, जब ये प्रोडक्ट बनता है तो ये चार्ज रिमूव कर देता है, चार्ज रिड्यूस हो जाता है। अब ये रिड्यूस कौन करता है, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, ठीक है, ये उसमें रिड्यूस कर जाते हैं। आया समझ में? तो ये होता है टॉलेंस रिएजेंट का एग्जांपल है, इसको रिमूव करता हूँ और बतलाता हूँ आपको फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इसके एग्जांपल है Cu, इसमें 2 चार्ज होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर के प्रेजेंस में हमको इसको रिड्यूस करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा Cu2O। तो यहाँ पे क्या था +2 चार्ज, यहाँ पे आ गया तो 0, ये क्या हो गया, अपने चार्ज को रिड्यूस कर देते हैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आया समझ में? अब ना हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तो उसमें दो तरह का होता है, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ऐसा शुगर जो अपने आप को फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट में रिड्यूस नहीं होता है, या ऐसे शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट में अपने आप को रिड्यूस नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसलिए मैंने आपको अभी फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बतलाया, ठीक है। दूसरा होता है रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर अभी जस्ट आपको बताया ना कि रिड्यूसिंग का मतलब जो अपना चार्ज को रिड्यूस कर दे, यहाँ +1 चार्ज था, जब प्रोडक्ट बना तो अपने चार्ज को हट गया, वो रिड्यूस कर गया, है ना। तो ऐसे शुगर जो अपने आप को फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट में रिड्यूस नहीं करते हैं उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, और ऐसे शुगर जो अपने आप को टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन में रिड्यूस कर देते हैं उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। जितने भी, मेरी बात ध्यान सुनो, जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं, अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है आगे बताएंगे, बस अभी इतना रखो, जितने भी पॉलीसेक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल स्टार्च हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, ये सारे क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, डाइसेक्राइड भी मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो एक डाइसेक्राइड होता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग शुगर ना होके ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है, ठीक है। आया समझ में? मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे, डाइसेक्राइड भी मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर ही होता है, एक को छोड़ के सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है, बट ये एक्सेप्शन है, ये रिड्यूसिंग शुगर ना होके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना रिड्यूसिंग शुगर का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, राइबोज, ये सारे एग्जाम्पल हैं रिड्यूसिंग शुगर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है। बस समझो ना कि जो नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है वो है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। अगर वो रिड्यूस कर गया तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं किया तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब किस में रिड्यूस करना है, टॉलेंस रिएजेंट में और फेलिंग सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। आप कभी शुगर खाए हो, जो घर में आपका मीठा लगता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, शुगर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। शुगर जो आपका नॉर्मली घर में होता है, जिसका यूज हम लोग आप खीर बनाने के लिए किया करते हैं, और नॉन शुगर इसमें आपका जो है वो
ये आपके मेडिसिंस ग्रुप में भी आते हैं मार्केट में, ठीक है, जो मोस्टली हम डायबिटीज़ पेशेंट को दिया करते हैं, उसमें शुगर का अमाउंट बहुत कम होता है या बहुत कम ही मीठा होता है वो, आया समझ में? तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस भी डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर 3 कार्बन हो, ठीक है, या 3 कार्बन एटम हो, तो क्या बोलेंगे? ट्रायोस। ट्रायो का, ट्राई का मतलब क्या होता है भाई? 3, और ओस का मतलब होता है शुगर, हमें साथ रखना, ठीक है। 4 हुआ तो टेट्रोस बोलेंगे, 5 हुआ पेंटोस बोलेंगे, और 6 हुआ तो हेक्सोस बोलेंगे। एक बात और, यदि अल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? अल्डोज, ठीक है। यदि कीटोन हो, ठीक है, यदि कीटोन प्रेजेंट हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोज। अल्डिहाइड होगा तो अल्डोज, कीटोन होगा तो कीटोज, ठीक है, यहां तक समझ में आया? 3 होगा तो ट्रायोज, 4 होगा तो टेट्रोज, 5 होगा पेंटोज, 6 होगा तो हेक्सोज। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ अ कार्बोहाइड्रेट हैज 4 कार्बन, एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें 4 कार्बन है और एक अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, क्या है? 4 कार्बन है, ठीक, ये 4 कार्बन बन गया, साथ में क्या प्रेजेंट है? अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? अल्डिहाइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अल्डो पेंटोज। नेमिंग करने आया, कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो देखते हैं 4 कार्बन है तो टेट्रोज डायरेक्ट लगा देते हैं, या अल्डो टेट्रोज, लेकिन भूल जाते हैं कि अल्डिहाइड के पास भी एक कार्बन है ना? ये कार्बन, ये देखो, तो इसको भी आप काउंट कर लोगे। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन में आ गया कि इफ अ कार्बन हैज 3 सॉरी इफ ए कार्बोहाइड्रेट हैज 3 कार्बन एंड 1 अल्डिहाइड ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड, तो लिख दिया अच्छा 3 कार्बन है तो अल्डो टेट्रोज, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अल्डिहाइड के पास भी एक कार्बन है, ये चीज भूलना मत, इसको इरेज कर दूं। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ कार्बन हैज, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। इफ अ कार्बोहाइड्रेट हैज 5 कार्बन एंड 1 कीटोन ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड, किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में 5 कार्बन है और 1 कीटोन है, तो उसको क्या बोलेंगे? 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया तो ठीक है, 5 कार्बन है, कीटोन के पास भी एक कार्बन है, क्योंकि कीटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं, तो कीटोन के पास भी एक कार्बन है, तो ये क्या पढ़ा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कीटो हेक्सोज, ठीक है। 5 कार्बन, कार्बन जो हो गया कार्बन वाले हो गए, और 1 कार्बन किसके पास है? कीटोन के पास, तो क्या पढ़ेंगे इसको? कीटो हेक्सोज। बस नेमिंग याद रखना, जो अल्डो कीटो ये प्रीफिक्स होते हैं, बाद में नहीं लगता है, ऐसे नहीं हेक्सोज अल्डोज, ऐसा नहीं होगा, कीटो हेक्सोज, जो कीटो हो गया अल्डो हो गया, और प्रीफिक्स होते हैं, पहले लगते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन को लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कन्फ्यूज मत करना, कीटोन के पास भी एक कार्बन है उसको भी काउंट करना, अल्डिहाइड के पास कार्बन है उसको भी काउंट कर लेना जब आप नंबरिंग करोगे, ओके। नाउ अब लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, मोस्टली 3 तरीके का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और तीनों को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो जो मोनोसेक्राइड होते हैं, मोनोसेक्राइड जो होता है, इसमें हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, इसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में इसको हम 2 से 10 यूनिट में डिफ्रेंशिएट या उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड फर्दर डिवाइड
या फर्दर ये ब्रेक नहीं हो सकता है। ओलिगोसेक्राइड ये 2 से 10 यूनिट में अपने आप को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, और पॉली में मोर देन 10, ये 10 से अधिक पार्ट में क्या हो सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, आया समझ में? एक एग्जांपल लेता हूँ आपको और उससे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे देखो C12H22O11 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब आप शुगर को तोड़ोगे, शुगर का फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? C12H22O11, इसको हम लोग सुक्रोस भी बोलते हैं भाई। ठीक है, इसको आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा C6H12O6 + C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रुक्टोज हो गया। तो ये कितने पार्ट में टूटा, ये सुक्रोज जो था वो 2 पार्ट में टूटा, टूटा दिख रहा है, ये 2 पार्ट में टूट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड। तो इसी तरीके से ये 2 या 10 से अधिक पार्ट में ब्रेक करे तो बोलेंगे पॉलीसेक्राइड, और कई बार यदि आप ग्लूकोज को तोड़ोगे, ग्लूकोज को तोड़ोगे तो ये फर्दर नहीं टूटता है आगे, तो ये क्या हो गया, मोनोसेक्राइड। तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट समझ में आया? देखो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। ओलिगोसेक्राइड सुक्रोस, मैंने बताया आपको कि सुक्रोस को तोड़ोगे तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, 2 पार्ट में फर्दर ये ब्रेक कर सकता है, इसलिए इसको ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगला माल्टोज हो गया। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, इसको ब्रेक करोगे आप तो ये मोर देन 10 या 10 से अधिक ये पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोनोसेक्राइड को डिटेल में पढ़ेंगे, डाइसेक्राइड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर डाइट्स या बोलते हो ओलिगोसेक्राइड, और फिर हम लोग पॉलीसेक्राइड को डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, देन हम लोग प्रोटीन के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, चलो थैंक यू सो मच।